ये रिश्ता। जी हाँ, ये तो मर गई थी, फिर वापस कैसे लौट आई? अरे ये वापस आ गई मेरे दिल के फिर से टुकड़े करने के लिए। हजार टुकड़े करके इसका मन है, इसीलिए उन टुकड़ों के भी टुकड़े करने आ गई है। निकल जाओ मेरे घर से, आउट, निकलो। चैलेंज कर रही हो मुझे? लगन जो हाथ जो नहीं, बस आपको ये याद दिला रहे कि ये घर हमारा है। तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगा मैं। रजत की जिंदगी में आंधी नहीं बल्कि तूफान आया है, और अब देखो बिजली की तरह उसकी जिंदगी में लौट आई है अनमोल। और अब वक्त और हालात देखिए, रजत जिसके लिए जान भी हाजिर कर देता था, वो आज अनमोल को देख खुश नहीं बल्कि उसे घर से अपनी नजरों से दूर कर देना चाहता है। अनमोल के जाने के बाद रजत की जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो गई है। निकल जाओ मेरे घर से, आउट। मैं कहीं जाने वाला नहीं। जाऊंगी नहीं, जाऊंगी। सबके सामने खड़े होकर मुझसे रिश्ते के लिए इनकार किया था ना तुमने? आज मैं मना करता हूं। निकलो यहां से, आउट फ्रॉम माय हाउस। तमाशा तो चलेगा ही, क्योंकि रजत की जिंदगी में अनमोल लौट आई है, और अनमोल को मान चुका था कि वो तो मर चुकी है। तो अब अचानक से एक लड़की जिससे आप इतना प्यार करते थे, जिसने आपका दिल तोड़ दिया और वो मर भी गई दिल तोड़ के, तो सोचो कितने जज्बात घूम रहे होंगे अंदर ही अंदर। तो उन जज्बातों का जो जवाब ये ढूंढ रहा था वो अचानक से सामने आ गई, तो वो सब एकदम दुनिया उथल पुथल हो गई उसकी। तो अब वो वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि दूर रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। रजत को अनमोल की नहीं बल्कि शराब का सहारा चाहिए, और चाहिए नहीं बल्कि उसने शराब को अपना सहारा बना ही लिया है। वो बात अलग है कि मृदुला रजत का सहारा बनना चाहती है, क्योंकि उसका विजन बहुत क्लियर है कि वो किसी भी तरह अनमोल को तलाक दे दे और रजत उससे शादी कर ले। इसलिए तो उसका खेल बहुत निराला है, क्योंकि ये जो अनमोल है ये कोई अनमोल वनमोल नहीं बल्कि ये एक बहरूपिया है, जिसे मृदुला ने सिखा पढ़ा कर घर में लाया है। प्लानिंग वालों को साथ में ले आया मैं, इन्होंने प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग की है? सो मैंने तेवर को सब सिखाया कि अनमोल कैसे बात करती थी, कैसे चलती थी, किसको क्या कहकर बुलाती थी, और सब कुछ सिखा पढ़ा के उसको मैंने घर में प्लान कर दिया है। और यही फिलहाल यही प्लानिंग प्लॉटिंग मेरी चल रही है कि किस तरह वो रजत को ये विश्वास हो जाए कि अनमोल है, और फिर वो उसको डिवोर्स दे दे और फिर मेरी शादी करवा दे। मेरी तो शो के शुरुआत से यही प्लानिंग चल रही है कि कब मेरी शादी हो रजत से। एक ही आदमी है जो जीवन में क्लियर है इस शो में। रजत का गुस्सा किसी को नहीं बल्कि उसे ही बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे शराब की लत छोड़ देनी चाहिए, वरना नुकसान उसी का हो सकता है। वैसे नुकसान तो यहाँ रजत और अनमोल का रियल में हो सकता था, जब सीन के दौरान रजत के हाथ से शीशा टूट गया। रजत को अब अलर्ट होना जरूरी है, उसे अपने अंदर के दानव को नहीं बल्कि मानव को जगाना है, ताकि वो ठंडे दिमाग से सच और गलत का फैसला कर सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।